हेलो दोस्तों, सक्सेस विद सोहिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोहिल। दोस्तों कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल पर कि ITBP टेलीकॉम की जो भर्ती आई हुई है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, मैं दो पॉइंटों पर जिक्र करूँगा यहाँ पर, सिलेक्शन प्रोसीजर और इसमें सिलेबस क्या रहता है, पेपर का सिलेबस क्या रहता है। मेन होता है इसमें पेपर। पेपर जिसने गाड़ दिया, सिलेक्शन 90% उसका हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि सिलेक्शन कितने स्टेप में होता है और क्या क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे रिटर्न के सिलेबस की, यानी कि आपके पेपर में क्या क्या आता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा, PET, PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST। इसमें आपका रनिंग होगी, हाइट, वेट, चेस्ट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपका पेपर होगा। ठीक है, पेपर जो कि OMR बेस्ड आएगा। लेकिन पिछली बार क्या हुआ है ना, इसमें पिछली बार थोड़ा सा इसमें चेंज देखने को मिला है। इन्होंने पिछली बार ऑनलाइन पेपर करवा दिया गया है, अब की बार देखते हैं कैसे करवाते हैं। ठीक है, आप लोग तैयारी ज़बरदस्त रखिए, पेपर चाहे जैसे हो क्वेश्चन वही आने हैं। अगर आपकी तैयारी है तो आप लोग पेपर को क्वालिफाई कर रहे होंगे, चलेगा। उसके बाद होता है DV। अब बात आती है बच्चों के माइंड में कि DV क्या होता है। सर, DV होता है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता क्या है, आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। 10th 12th क्लास की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको आय प्रमाण पत्र, वैसे मांगता नहीं है लेकिन बनवा लेना, आय प्रमाण पत्र लेके जाना साथ। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जो कि जनरल का नहीं होगा, जनरल का तो होता ही नहीं जाति प्रमाण पत्र। आपको OBC SC है तो आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे होंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बनेगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया। ठीक है, आपके 4 फोटो लेके जाने हैं और इन सब की 4-4 फोटोकॉपी जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है माय डियर, चलिएगा। अब बात करते हैं हम लोग मेडिकल की। उसके बाद होता है आपका DV के बाद होता है मेडिकल। मेडिकल में आपको पूरी तरह से फिट होने चाहिए, आपकी आंखों में कोई आपके आँख कोई भी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, इसमें स्क्विंट नहीं होनी चाहिए, कलर विज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी नोकनी फिट होनी चाहिए, आपकी हड्डी कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए। ये सब इसमें जानकारी ये लोग लेते हैं, चेक करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पहले ही चेक करवा लीजिएगा, जो कि समय रहते हुए ठीक भी कराई जा सकती है, चलेगा। अब बात करते हैं हम लोग पेपर की, पेपर का सिलेबस क्या क्या होता है। पेपर का सिलेबस मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने खुद ITBP का पेपर क्वालिफाई कर रखा है और बहुत अच्छे खासे नंबरों से क्वालिफाई कर रखा है। मैं आपको स्टडीज भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सोहिल है और मैं एक छोटा सा कोचिंग सेंटर चलाता हूँ गाँव में, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, जिसमें मैं SSC UP पुलिस बैंक वगैरह की तैयारी करवाते हैं हम लोग। ठीक है, चलेगा। सिलेबस की अगर हम बात करें, या तो इसमें इंग्लिश आएगा या तो हिंदी, या में आएगा, या तो आप लोग इंग्लिश कर लीजिएगा या हिंदी कर लीजिएगा, दो की जो कि 20 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। अगर 1% ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है, तो फिर 10-10 नंबर का 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। जनरल अवेयरनेस जो कि 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग जो कि 15 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स 20 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथ 20 क्वेश्चन आएंगे। आपको ऐसा वेटेज इसमें देखने को मिल रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा। सॉरी, सबसे बड़ी बात है कि पेपर कैसे क्वालिफाई करें। पेपर को क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बड़ी बात है तो एक मेहनत करने की, पेपर तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा अवधारणा के माध्यम से समझा देता हूँ आपको।
बच्चा जो है ना आजकल ऑनलाइन के चक्कर में घूम रहा हुआ है। ऑनलाइन मत पढ़ो यार, ऑनलाइन पढ़ना है मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीके में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि आधे घंटे में पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं हम लोग एक बुक के माध्यम से, लेकिन हमने देखा है कहीं ना कहीं ऑफलाइन का खूब अनुभव है यार। ऑनलाइन के बच्चे भी हमारे साथ आते हैं, हमारे पास पढ़ते हैं, जो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं वो हमारे पास ही पढ़ते हैं। एक बच्चा बोल रहा था कि सर मैंने सिंधु घाटी सभ्यता 4 क्लास देखी, और 4 क्लास जो कि एक 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 सवा सवा घंटे की थी, लगभग 4 से 4.5 घंटे उसने गंवा दी। और उसके बाद उसने बैठ के उसका नोट्स बनाया, नोट्स बनाने के बाद फिर भी उसको याद ही करना पड़ा। लगभग उस बच्चे ने कम से कम भी 10 से 12 घंटे उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में खराब करे, जो कि आधे घंटे का पढ़ने का था। आधे घंटे में सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही आराम से ख़त्म की जा सकती है वन डे एग्ज़ाम के लिए। तो अगर पढ़ना है आपको ऑनलाइन मैथ पढ़िएगा, रीजनिंग पढ़िएगा, जीके वगैरह मत पढ़िए माय डियर, टाइम वेस्ट मत करिए। टाइम की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टाइम ही है जो कि आपको सफल बनाता है और आपको अगर आगे लेके जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे से जुड़ने के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।